वास्तु टिप्स फॉर ब्लैक मैजिक। दोस्तों, अगर घर में हुआ है काला जादू तो वास्तु की इन टिप्स को अगर आप अपनाते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वास्तु टिप्स के बारे में। अगर आपके घर में किसी ने घर पर, परिवार वालों पर, बच्चे पर कोई भी काला जादू किया है या फिर करवाया है, तो अगर आप मेरे बताए हुए इन टिप्स को अजमाते हैं तो आप इससे निजात पा सकते हैं, आप अपने घर को बचा सकते हैं। कई बार बिना किसी कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, साथ ही काफी मेहनत करने के बाद भी अगर आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और लगातार बीमारी और धन हानि का सामना करना पड़ रहा है तो हो सकता है कि व्यक्ति पर काला जादू हो। वास्तुशास्त्र में काला जादू का प्रभाव दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं काला जादू दूर करने के वास्तु टिप्स क्या हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग का काम कई बार बनते बनते रह जाता है। कई बार घर परिवार के लोग बीमार पड़ते रहते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं रहती है। व्यक्ति को एक के बाद एक धन की हानि होने लगती है और धन से संबंधित कोई भी परेशानियां हमेशा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप इन तरह के लक्षण आप देखते हैं अपने घर में या आसपास, तो हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो और आम भाषा में कहें तो काला जादू। वास्तु के अनुसार बचने के लिए आपको कुछ आसान टिप्स हम आपको बताएंगे। काला जादू का प्रभाव कैसे कम करें? सबसे पहले जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर काला जादू है तो वे मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहता है। दिल की धड़कन बिना किसी कारण अचानक बढ़ जाती है। अगर आपके ऊपर काला जादू हुआ है तो आप मन और मस्तिष्क में कमजोरी महसूस करेंगे। रात को सोते समय भयानक सपने आते हैं। काले जादू से प्रभावित लोगों को अकेलापन पसंद आने लगता है। भूख प्यास नहीं लगती। अधिकांश लोग बीमार रह सकते हैं। साथ ही साथ घर में मौजूद तुलसी भी सूख जाती है। काला जादू दूर करने के लिए एक जो टिप्स जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप 1 रुपए का सिक्का लेकर किसी भी मंदिर में जाएं और एक जो मुट्ठी चावल उसमें रखकर अपनी समस्या बताकर चुपचाप मंदिर के कोने में रख दें। ऐसा करने से काला जादू जल्द ही खत्म हो जाएगा। शुक्रवार के दिन आप एक और काम कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन अपने घर में और आपके घर के मंदिर में भगवान के सामने एक चौकी बनाकर उस पर जल से भरा एक कलश रख दें और उस कलश पर केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर 1 रुपए का सिक्का रख दें। इससे भी आप काले जादू से निजात पा सकते हैं। अच्छा, घर के जो दरवाजे होते हैं उस पर आप दिया जलाना यानी कि दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। रोज शाम को पूजा के बाद घर के मुख्य दरवाजे के कोने पर घी का एक चौमुखा दीपक, एक दिया जिसमें 4 बत्तियां हो, वो जलाएं और इस दीपक में 1 रुपए का सिक्का डालें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। और एक सबसे सरल उपाय, मोर पंख। दोस्तों, ये कोई भी अपना सकता है। इसमें आपको क्या करना है, अपनी जेब में हमेशा एक मोर पंख और 1 रुपए का सिक्का रखें। ऐसा करने से भाग आपका मजबूत होगा, जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ध्यान रहे कि ये सारे चीज करते हुए आप किसी से मशवरा या सलाह ना लें या किसी को बताए नहीं। ये चुपचाप करनी है चीजें और भगवान पे श्रद्धा रखिए, वो साथ है तो सब साथ है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं और वास्तु टिप्स जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।